नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे दतिया आवास, जनता से मिलकर सुनी समस्याएं। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने पर ज्योति सिंधिया पहुंचे भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया पौधा। मध्य प्रदेश में फिर तेजी से पैर पसारने लगा है कोरोना। रायसेन में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे वाहन चालकों का किया चालान। शिवपुरी जिले में दो महीने से न्याय की फरियाद लगा रही विवाहिता, ससुराल वाले दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित। सिंगरौली जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में वरगवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय प्रवास के दौरान शनिवार को अपने निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जन समस्याएं सुनी। इसके बाद गृह मंत्री ने जिले में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी किया और किसानों को जल्द राहत राशि देने का आश्वासन भी दिया। उसके बाद कुरथरा में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। साथ ही मंत्री मिश्रा बोले कि आज का दिन कमलनाथ सरकार की पार्टी की वर्सी का दिन है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर उपलब्धियां गिनाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता से गए पूरा एक साल बीत गया है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम हाउस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। ज्योति सिंधिया ने बिना नाम लिए विपक्ष पर टिप्पणी भी की और कहा कि आजकल मुझे बहुत स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, कभी सरकार के बारे में तो कभी मेरे बारे में। अगर उन लोगों को इतनी ही चिंता होती है तो सरकार और जनता के साथ साथ अन्य विषयों पर पहले ही चिंता कर लेते। जिसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि इबादत में लिखी हुई बात भी जो नहीं पहचान पाए उस दल के बारे में अब क्या कहें। खबर अमरवाड़ा से है, जहां रंगों के त्योहार होली को लेकर अमरवाड़ा थाना परिसर ने शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें समस्त अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में होली समारोह, सांस्कृतिक रैली और धार्मिक कार्यक्रमों पर कोविड-19 के चलते पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही व्यापारी संघ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को सभी दुकानें बंद करने का निर्णय भी लिया। बता दें कि अमरवाड़ा प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जिस तरह जिले में कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसे देखते हुए दुकानदारों को मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना और राहगीरों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। इस बारे में तय किया गया है कि स्वेच्छा से एक दिन ये लोग सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। सभी ने अपनी सहमति दिखाई है, सहमति जताई है कि एक दिन वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन शासन द्वारा तय की गई है उसका पूर्णतः पालन करेंगे भी और कराएंगे। कोरोना का जो गति स्टेज चालू हुआ है और वर्तमान में देश एवं प्रदेश और अपने छिंदवाड़ा शहर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, इस संबंध में आज नगर के गणमान्य नागरिकों एवं व्यापारियों की मीटिंग ली गई, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सारे व्यापारी जो है स्वेच्छा से संडे को बंद रखेंगे। पूरे सब डिजिटल वेस्ट टाइप की व्यवस्था चालू की गई है। इसके साथ साथ पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी संडे को सारे व्यापारी स्वेच्छा से अपना लॉकडाउन कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से अपने पैर पसारने लगा है, जिसके चलते रायसेन में नगर कोतवाल जगदीश सिंह सिद्धू ने बिना मास्क के घूम रहे वाहन चालकों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की। चालानी कार्रवाई के चलते वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहनों के साथ साथ बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों के फेस पर मास्क नहीं होने के चलते चालान किया गया। जो भी यात्री बिना मास्क के सफर करता नजर आया उसका चालान काट दिया गया। शिवपुरी जिले में शोषण और अत्याचार का शिकार हुई एक विवाहित महिला पिछले दो महीने से लगातार न्याय की फरियाद लगा रही है और अपने ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है, लेकिन महिला की शिकायत पर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। दरअसल महिला सौम्या रावत ग्वालियर की रहने वाली है, जिसकी शादी के बाद उसके ससुराल वाले उस पर दहेज का दबाव बनाने लगे और उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने लगे, जिससे परेशान होकर महिला पिछले दो महीने से न्याय को लेकर दर दर भटक रही है और न्याय मांगने के लिए लगातार ग्वालियर से शिवपुरी थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक महिला को न्याय नहीं मिला है।
ये इनका पति पत्नी का विवाद है, जो इन्होंने आवेदन दिया था तो महिला परामर्श केंद्र में इनका काउंसलिंग की गई थी। काउंसलिंग के उपरांत इन दोनों ने अपनी सहमति दी थी साथ में रहने की। फिर बाद में कुछ इनके बीच और कुछ डिस्प्यूट होने के कारण अब ये साथ में नहीं रहे हैं। इनका पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का शिकायत की है, जिसकी जाँच DSP महिला सेल को दी गई है। उसके उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे उसे कार्रवाई। सिंगरौली जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बरगवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लगातार सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करने में जुटा है। इसी कड़ी में CM शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को भूमाफिया, खनिज माफियाओं, सूदखोरों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को भी आज जमींदोज किया। बता दें कि रांची के मोहनिया में एंटी माफिया दमन दल ने कार्रवाई करते हुए भूमाफिया मोनू सोनकर से कब्जे की जमीन को मुक्त कराया है। मोनू और फनिल सोनकर के द्वारा शासकीय भूमि पर लगभग 2500 स्क्वायर फीट शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था, तो उसको विधिवत न्यायालय से आदेश पारित कर बेदखल कर निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है। खबर बेगमगंज से है, जहां एक सफाई कर्मचारी की ईमानदारी देखने को मिली है। नगर पालिका कर्मचारी अतुल घवारिया रोज की तरह नगर पालिका कर्मचारी के तौर पर नगर के बस स्टैंड की सफाई करने गया था। तभी उसको एक पर्स मिला जिसमें लगभग 3 से 4 हजार रुपए थे और 2 ATM और कुछ चेक के साथ साथ जरूरी दस्तावेज भी थे, जिसमें अतुल ने ईमानदारी दिखाते हुए पर्स को पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद पुलिस ने गंजवा सौदा निवासी गोविंद गुज्जर को सूचना देकर उसका पर्स उसे वापस किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसे वापस किए। वहीं थाने के SI कुशवाहा ने सफाई कर्मचारी की बेहद तारीफ की। कॉम्प्लेक्स के यहाँ डला मिला था मेरे लिए, फिर आपने क्या किया? मैंने वहाँ 2-4 लोगों से पूछा और उसमें जो नंबर वगैरह था उस पर कॉल किया, तो अपने लिए थोड़ी सी सही जानकारी नहीं लगी, फिर उसको थाने में जमा किया। मैंने कहा जिसका भी फिर उसको भी लौटा रहा। उसमें अपने नगर पालिका के कर्मचारी अतुल भावरिया को एक अज्ञात पर्स बरामद हुआ, जिन्होंने अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए इसको लाकर थाने में जमा कराया। और जो जानकारी हमने मिली तो उसमें पता चला कि गोविंद सिंह गुर्जर सिंह के नाम पर है ये, इनको हमने बुलाकर वापस उनको दिया गया। सर इसमें कुछ नगद राशि भी थी? हाँ जी, इसके अंदर तकरीबन 3000 रुपये के आसपास में नगद राशि थी, 2 ATM थे और चेक वगैरह भी थे जिनके। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र की क्रेशर बस्ती में 22 साल के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आकाश है और आकाश मृतक का दोस्त है। दरअसल पिछले साल दिवाली से महज 1-2 दिन पहले ही मामूली विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी आकाश ने अपने दोस्त के चेहरे को चाकुओं से गोद दिया और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि कुछ दिनों तक आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक सार्वजनिक रूप से उसे हमेशा बेइज्जत करता रहता था, जिससे परेशान होकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पिछले कुछ दिनों में थाना तिलवारा अंतर्गत एक अंधी हत्या का प्रकरण हुआ था, जिसमें 302 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम किया था, जिसमें क्रेशर बस्ती में एक 22 वर्षीय युवक की प्रथम दृष्टया इसमें हत्या की गई थी। इस हत्या का पर्दाफाश हो गया है। थाना प्रभारी तिलवारा सतीश पटेल और इनकी जो पीछे खड़ी टीम है बधाई की पात्र है, जिनके एफर्ट्स के फलस्वरूप जो आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया। इसमें एक आरोपी है आकाश सोंधिया, उम्र 20 वर्ष, ये तिलवारा थाना क्षेत्र में क्रेशर बस्ती में ही रहता है, और जो मृतक है वो भी क्रेशर बस्ती में रहता है, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इसने घटना दिनांक को रात में मृतक को अकेला पाकर उस पर चाकू से प्रहार किया और फिर एक बड़े पत्थर से उसको प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।